लोग कहते हैं आयुर्वेद का भविष्य क्या है, आयुर्वेद का वर्तमान और भविष्य तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव खड़ा हुआ है। और मैंने ठान रखा जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस ना आए। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव एलोपैथी और डॉक्टर्स के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने कोरोना के समय में भी जिस वक्त पूरा देश एलोपैथी पर ही निर्भर कर रहा था, इन बाबा रामदेव ने पूरी कोशिश करी थी कि डॉक्टरों और एलोपैथी को नीचा दिखाकर अपनी दवाइयों और खुद को ऊपर लाया जाए। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और फिर जब ये खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं तो इनको डॉक्टर ही याद आते हैं। विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। और सिर्फ ये ही नहीं, इनके जो चेले हैं आचार्य बालकृष्ण, उनको भी डॉक्टर याद आते हैं जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। मतलब बाबा रामदेव का सही है, अपना बिजनेस चलाने के लिए वो तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। इनके पास में कोई दवाई नहीं। और क्या आपको ये पता है कि हमारे देश में भीख मांगने को बैन कर दिया गया है? जी हाँ, सही सुना आपने। नागपुर में पुलिस ने भीख मांगने और भिखारियों के इकट्ठे होने पर बैन लगा दिया है। नागपुर में होने वाली G20 मीटिंग से पहले नागपुर पुलिस ने यह फैसला लिया है। ये ठीक उसी तरीके का फैसला है जब ट्रंप भारत आए थे तो किस तरीके से स्लम एरिया को ढक दिया गया था दीवारों से, तो इस बार कुछ नया हुआ, भीख मांगने पर ही बैन लगा दिया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर कुछ ऐसा घट गया है कि अगर आप अपने परिवार के साथ उस प्लेटफॉर्म पर बैठे होंगे तो आपकी हालत कुछ ऐसी होगी। और देखिए बिहार से एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है, पटना जंक्शन का मामला। रेलवे स्टेशन पर एलईडी स्क्रीन में चलने लगी पॉर्न वीडियो, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग उस वक्त हैरत में आ गए जब अचानक से एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चलने लगा। तो पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जब इस तरीके की हरकतें होने लगी तो प्लेटफॉर्म टिकट ही बढ़ा दिया गया। बैठो भाई बैठो बैठो। अरे हम लोग ये जग मारने आए, घूमने आए, यहाँ पर गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते इंसान को। मतलब मानो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसको वो ठेका दिया गया था एडवर्टाइजमेंट करने का, वो कुछ अलग ही मूड में हो। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। और जो लौंडे अकेले अपने दोस्तों के साथ उस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे खड़े थे, उनका तो समझ लिए दिन ही बन गया था, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब हैदराबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन सब जगहों का नाम बदले या ना बदले, पटना जंक्शन का नाम जरूर बदले जाना चाहिए। बाकी बाद में रेलवे ने ट्वीट कर इस पे सफाई दे दी है। पटना जंक्शन पर हुई घटना को संज्ञान में लेते हुए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं। साथ ही एजेंसी को टर्मिनेट कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब ब्लैक लिस्ट करो या कुछ भी करो, जो घटना था वो तो घट ही गया। अब समझिए कि अगर आप ऐसी कोई सार्वजनिक जगह पे बैठे हों और इस तरीके के दृश्य चल जाएं, तो आप भी उसको वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे टाइम्स नाउ के पत्रकार को राहुल गांधी जी ने किया है। जी क्या ये जो चल रहा है उसको लेकर जेपीसी की जो मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं, इस पर क्या लगता है सरकार की तरफ से? आप चलते हैं राहुल गांधी, मजा आया। तो दोस्तों इस हफ्ते इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ जिसमें अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी से लेकर सरकार के तमाम मंत्री आए। आज आपकी दुकान में ही चला लेता हूँ। एंड गेस व्हाट, आर वेरी ओन तिहाड़ी वॉज इन फुल स्विंग। वैसे इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी जी को एक शिकायत भी थी सरकार से,
जो उन्होंने मोदी जी के सामने बताई। उन्होंने कहा मीडिया को आपसे बहुत शिकायतें हैं, आपकी सरकार से खबरें लीक ही नहीं होती हैं। बताइए कितना कठिन सवाल पूछ लिया। सर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया आपके सरकार से बड़ी परेशान है। हाँ आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी। मतलब जहां उन्हें ये पूछना चाहिए था कि 9 साल से आपने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी है, वहां वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, वो भी फिजूल का। अब इसी के बाद इन्हें कोई ये बताएगा कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 8 पायदान और खिसक कर 150वें नंबर पर आ गया है तो ये कहेंगे कि वो एजेंसियां तो बस ऐसे ही हैं, हम उन्हें नहीं मानते। वही फॉरेन कंट्रीज की एजेंसियां अगर मोदी जी को नंबर 1 बता दें तो ये उस पर दिन भर शो कर सकते हैं। एंड दैट्स गोदी मीडिया फॉर यू। और जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा लोग तो बिल्कुल नहीं सोचते। इंडिया टीवी के इस पोल को देखिए, क्या राहुल गांधी को ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए? नतीजा आपके सामने है। अब बताइए आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिलहाल तो इतना ही बोल देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।